बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आज मूड कुछ एक्स्ट्रा खुशगवार था तो मैंने सोचा कि आज ब्राइट एंड चेयरफुल कपड़े पहन के ऑन एयर आती हूँ। आई एम वेयरिंग वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर्स, राबिया मेक्स एब्सोल्युटली ऑसम क्लोथ्स, एंड पिछले दो तीन दिनों से उन्हीं के कपड़े पहन रही हूँ। एंड जेन्युइनली बड़े कम डिज़ाइनर्स होते हैं जिनके कपड़े आप जो भी जोड़ा पहनें आप उसको पहनना भी इंजॉय करें, एंड उसके साथ साथ वो दिखने में अच्छे हों और कंफर्टेबल टू वेयर ऑल्सो। सो चले बात करते हैं, जब हम कपड़ों की बात करते हैं, तैयारियों की बात करते हैं, तो एक तैयारी जो वो जो कह रहे हैं ना टॉपो टॉप जा रही है वो है रमज़ानुल मुबारक की, जहाँ पे हम रमज़ान की खुशियों की और पॉजिटिविटी की बातें करते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसी अहम बातें हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, जैसे कि पाकिस्तान में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है, और रमज़ान में तो प्राइसेस इतनी हाई हो जाती हैं, रोटी, चावल, सब्ज़ी, फल, पत्ती, चीनी, नमक, एक एक चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है कि ये एक हैरान कन बात है। देखिए, पूरी दुनिया में जब इस तरह का कोई ओकेज़न आता है, खुशी का मौका आता है, सेलिब्रेशन का टाइम आता है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक भी इबादतों का और सेलिब्रेशन का एक वक्त है, लेकिन हमारे लिए आसानियां पैदा करने के बजाय दुकानदार जो हैं वो मसाइल पैदा करते हैं। हमारे लिए इतना अनअफोर्डेबल हो जाता है बेसिक चीज़ें ख़रीदना कि मैं अक्सर ये सोचती हूँ व्यूअर्स के अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को साहिब हैसियत भी किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं, जिनके लिए डे टू डे चलना मुश्किल होता है। दो वक्त की रोटी उनके लिए अफोर्ड करना एक टास्क बन जाता है। उन लोगों का क्या होता होगा रमज़ान में जब 100 रुपए की चीज़ 300 पे चली जाती है, 300 की चीज़ 800 पे चली जाती है, 800 की चीज़ 3000 पे चली जाती है। बेसिक चीज़ें इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ए प्लस ने और पब्लिक न्यूज़ ने एक बहुत ही मेरे ख़्याल से अमेजिंग कैंपेन स्टार्ट की है, एंड बहुत से व्यूअर्स की फीडबैक भी मुझे यही आई है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी मेरे साथ ये शेयर किया कि ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है। अब शुरू तो किया है, लेकिन आई होप कि हमारा ये पैगाम जो है दुकानदारों और उन लोगों के तक पहुंच रहा है जो फिर अनअफोर्डेबल कर देते हैं रमज़ान की चीज़ें हर मतलब कॉमन लोगों के लिए, राइट, आवाम के लिए। तो आइए देखते हैं वो बहुत ही प्यारी सी एक रिक्वेस्ट जो हमने की है, आइए। दुकानदार भाइयों, रमजानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें, ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अकलमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्प करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करें। बेशक रब ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे बंदों के लिए आसानियां पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूंगा। वैसे तो व्यूअर्स अमलों का दारोमदार नियतों पर है। हमें लोगों के लिए आसानियां इसलिए पैदा करनी चाहिए क्योंकि ये सही बात है, क्योंकि हमें ये करना चाहिए। वो जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू, ये मत सोचे कि इसका आपको अजर क्या मिलेगा, इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। ये तो रब ताला का वादा है कि हम जो अच्छाई जो नेकी करेंगे उसका हमें बेनिफिट या सवाब या जो भी आप टर्म यूज़ करना चाहते हैं हमें मिलेगा ही। तो अच्छे काम चलते करते चले जाएं, आसानियां लोगों के लिए पैदा करते रहें। यहाँ पे देखिए, हमने दुकानदारों से तो एक रिक्वेस्ट की ही है व्यूअर्स, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों से भी जो हमारा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर साहिब हैसियत है तो रमज़ानुल मुबारक में लोगों को राशन के बॉक्सेस बना के या पैकेजेस बना के दे दें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बट बहुत से लोग नहीं भी करते।
दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट जस्ट लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए. अब आपको पता है कि कुछ लोग हैं वो आपके पास, मतलब चाहे आपके घर में काम करने वाले लोग हों, वर्कर्स हों, या बहुत से मजदूर जो घरों के ऊपर जो घर तामीर कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को जाके राशन देना. आपके जानने वालों में कोई बेवा है, कोई खातून है जो सिंगल मदर है, कोई ऐसे बुज़ुर्ग कपल हैं जिनका कोई नहीं है, उनके लिए सिंपल से राशन के बॉक्सेस बना के उनको जाके देना. वो राशन का बॉक्स आपको 2,500-3,000-4,500 रुपए कॉस्ट करेगा, लेकिन उसकी वजह से लोगों के लिए कितनी आसानियां पैदा होंगी और आपको दुआएं कितनी मिलेंगी. मुझे दुनिया में व्यूअर्स किसी चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन दुआओं का बहुत लालच है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगी. मुझे सिर्फ ये होता है कि मुझे लोग दुआएँ दें. क्यों? क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, मुश्किलें टल जाती हैं. दुआ से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में है ही क्या. हम अपनी जेबें भरते रहते हैं, हमें पैसे की इतनी हवस है, चीज़ों की इतनी हवस है. जब इस दुनिया से रुखसत होंगे, उसी हालत में रुखसत होंगे जिस तरह आए थे. एक चीज़ नहीं हमारे साथ जाएगी, लेकिन हमारे अमाल और दुआएं ज़रूर जाएंगी. सोचिएगा इसके बारे में. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. और अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ. जैसे कि आप जानते हैं, हर्बल वीक हमारा जारी है मॉर्निंग विद जुगन पे, और हम आपको नेचुरल चीज़ों के थ्रू, नेचुरल हर्बल ऑर्गेनिक चीज़ों के थ्रू वेरियस डिफरेंट चीज़ें बनानी सिखा रहे हैं. अब दालें, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम बात करते हैं दाल की तो मुकाबला लगाया जाता है कि अगर कोई चीज़ बड़ी ही वो जो कहते हैं ना अनवांटेड सी है या ऑर्डिनरी सी है तो उसको हम दाल कह देते हैं, जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर. दाल एक ख़जाना है न्यूट्रिएंट्स का, अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें तो. दालें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं हमारे दिल की सेहत के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए. दालों में पोटेशियम और आयरन होता है, जिसको हम फलाद भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा पीली दाल में ये शामिल होता है. खून की सर्कुलेशन को, यानी कि खून की रवानी को बेहतर करता है. इतने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स दाल में होते हैं कि मुझे नहीं समझ आती कि माँ बाप बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर और इस किस्म की नॉनसेंस क्यों ऑर्डर करके देते हैं. खैर, मैं भी कभी कभी करके देती हूँ जब बच्चे ज़बरदस्ती करते हैं. बट दालों से मीठा भी बन सकता है, दालों से नमकीन भी बन सकता है. सिर्फ दाल को उबाल के और उसकी दाल बनानी ज़रूरी नहीं है, आप दालों से हज़ारों चीज़ें बना सकते हैं. लोग डिज़र्ट्स बनाते हैं, हम दाल का हलवा कितना मज़े का होता है फॉर एग्ज़ाम्पल. उसके अलावा दाल के जो हैं वो पकौड़े भी बनते हैं, दही बल्ले बनते हैं, एक वैरायटी आपके एपेटाइजर्स. दाल का सूप, मलगटानी सूप कितना मज़े का होता है. सो व्यूअर्स, दाल को इतना हल्का ना लें. दालें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी डाइट का. और नॉन एनिमल सोर्स, यानी कि जानवरों से हट के अगर आपको प्रोटीन किसी चीज़ में मिलती है वाफिर मकदार में, तो वो दालें हैं. तो आए आज दालों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं. और दालों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जो तीन बहुत प्यारी प्यारी सी पर्सनैलिटीज़ हैं, पहले उनसे मुलाकात कर लेते हैं और फिर सिलसिला शुरू करते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने का. हमारी बहुत ही प्यारी नैयर आपा आज हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम आपा. हां जी, वालेकुम अस्सलाम. कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हर्बलिस्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट. अस्सलाम वालेकुम आपा. वालेकुम. एंड देन ऑफ कोर्स मासूमा ज़हरा को कौन भूल सकता है, बहुत ही प्यारी सी और मासूम सी मासूमा ज़हरा हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम मिस कल्बिश, कैसी आप? ठीक ठीक, आप बताओ? और मैं तो ठीक ही हूँ. और फैसल भाई खड़े हो गए अपने जाके वो कहते ना स्टॉल के ऊपर. अस्सलाम वालेकुम भाई. एंड डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं. हम एक टीम है जो एक जो कहते हैं ना मिशन लेके आगे निकले हुए हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम महीने में एक दफ़ा कुछ ऐसी एक वीक करें जिसमें हम आपको दिखा सकें कि नेचुरली आप करोड़ों चीज़ें बना सकते हैं. इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी जो कहते हैं ना साइंस नहीं है, बल्कि साइंस इन चीज़ों को सपोर्ट करती है.
और वो खुद कहते हैं कि केमिकल्स अपने सिस्टम में मत डालो। हाँ, अब तो ऑर्गेनिक का नेचुरल का ज़माना है और इससे आपको भी पता है, अब तो माशाल्लाह आप खुद इस फील्ड में क्या क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, और मुझे हंसी इस बात पे आती है आपा कि बचपन में बड़े बूढ़े जो चीज़ें बताते थे जी, बिल्कुल, आज वो सारी लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी वोक चीज़ें हैं, ये बड़ी कूल हैं। हाँ, तो वो जो पहले कहते थे और लड़ाइयाँ डलती थी जब माँ बाप कहते थे कि मतलब अगर बेबी हो तो पंजीरी खानी है बच्चे के बाद, जोड़ों में दर्द हो या कोई चोट वोट भी लगे तो दूध हल्दी रात को देनी है। छोटी सी बात है मोरिंगा के बारे में, यहाँ हमारे सदियों से सुहांजना बकरा था, उसकी फलियाँ पकती थी और वो कीमे के साथ कितने मज़ेदार किस्म की डिश है। अब वो जब मोरिंगा होके वापस आ गया तो वो फिर ये हो गया। फ्लैक्स सीड को देखिए, अलसी रोलती फिर रही होती है दुकानों में, अलसी इतनी सस्ती, लेकिन जब गोरे इसको पैकेज में जाओ कि फ्लैक्स सीड बुला देते हैं तो हम सब ने उसको खरीदना होता है ना, क्योंकि वो फ्लैक्स सीड हो जाता है। मतलब बेजल सीड्स एंड चिया सीड्स एक ही फैमिली है। अब चिया सीड सबने खाने हैं भाई, तुखमलंगा जो है वो खा लो यार, मुबले में मुश्किल है ना, इसलिए खाना भी नहीं कोई चाहता। ये सारी चीजें हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और दालों की तो बेचारों की एम ही रेपुटेशन खराब है, किसी को कहना होता है घर की मुर्गी दाल बराबर, और दाल बड़ी चीज है तो मुर्गी के बराबर ही आ गई कीमत में भी। अल्लाह का शुक्र है शायद लोगों को अब दाल की कदर हो जाए। चलिए फैसल भाई के साथ स्टार्ट करते हैं एंड देन उसके बाद मैं नहीं रापा आपके पास आऊँगी एंड देन मासूमा जी आपके पास आऊँगी। चले ज़रा देखते हैं आज हमारा लड़का हमें क्या सिखाने लगे। आप ही इधर आ जाए देख, आए हमें ये क्या, ये भी हो गया है कुछ, ये किडनी बीन्स। हाँ जी, हम सहेलियाँ यहाँ पे आ रही हैं और आप बताइए कि आप आज हमें क्या बताएंगे। मासूमा इस डर से वहाँ पे होगी ना कि मैं उसको सहारा ना लेने की कोशिश करूँ। नहीं नहीं, मैंने आपका को आ गई। थैंक यू जी। अच्छा, पहले तो आपको ये क्या बताता हूँ, स्प्राउट्स का इसको बनाने की तरकीब बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको इसकी सैलड बताऊँगा कि कैसे सैलड बनाई जाए। ठीक है, ये इतने मुश्किल मिलते हैं बीन स्प्राउट्स और इतने आसान है घर में बनाने की, ये 2 से 3 दिन में आपके स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये आपके स्प्राउट्स हैं, अगर इसको क्लोजअप ले सकते और ये इस दाल के बने हुए मूंग के, और इनको ऐसे ही खा सकते हैं। हाँ, इनको ऐसे ही खा सकते हैं, इनको रो ही खाया जाता है। नाइस। ठीक है, इसका तरीका ये होता है कि इसके मूंग की दाल को आपने भो के अच्छी तरह 3-4 घंटे के लिए भिगो दें, जब ये थोड़ी सी नरम हो जाए तो फिर बेहतर तरीका ये है कि इसको साफ़ सुथरा मलमल का कपड़ा लें, उसमें इसको रैप कर दें और उसको नमी थोड़ी थोड़ी देर के बाद देते रहें, भिगोना नहीं है, नमी देनी है। ठीक है, कोई गर्म जगह जैसे किचन है, किचन में रख दें। दूसरे तीसरे दिन डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, तो इसकी ये जोनसी जर्मिनेशन है ये स्टार्ट हो जाए। और अब कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है? ये तैयार हो गई ना, जर्मिनेशन हो गई ना इसकी, ये 3 दिन हो गए, 3 से 5 दिन वाली जोनसी है वो आप खा सकते हैं। अब ये जो है ये आज एग्जैक्टली 3rd डे है जहाँ हमारा डिसाइड हुआ था कि हमने दालों में प्रोग्राम करना है, तो उस दिन मैंने इसको रख दिया था। मज़े की है। और आपको बताऊं कि इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये जितनी दालें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो बंद दाल होती है, ये स्प्लिट लेंटिल्स जो उनसी हैं इसका ही नहीं बनता। ठीक है, जो भी बंद दाल होगी, चाहे वो चने हैं, काले चने हैं, साबित माश है, साबित मूंग है, इन सब को आप स्प्राउट कर सकते हैं। गंदम कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त उसके बारे में। और इसके फ़ायदे जो उनसे आप साइंस से बताती है कि जो आपकी दाल है उससे 100 टाइम्स आपके स्प्राउट्स में वो एनर्जी होती है जो दालों में नहीं होती। और बादीपन खत्म हो जाता है। स्प्राउट्स उगाते हैं यार, हर चीज को स्प्राउट करते हैं। हाँ। हर चीज को स्प्राउट, बच्चों को भी नमी लगा के मलमल में रैप करके रख देंगे, उनको भी स्प्राउट करेंगे, शायद कद निकल आए, शायद कद निकल आए, ट्राई करती हूं घर जा। लेकिन इस हसन पे करो, ट्राई करने से डेफिनेटली कद निकल सकते हैं क्योंकि एनर्जी से भरा हुआ है इसमें। इस वक्त में जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है ना, तो उसमें फुल एनर्जी होती है, तो इससे ये एनर्जी पैक्ड न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं। तो दूसरी बात ये कि इसको बनाते हुए जो एहतियातें करनी है, क्योंकि ये नमी में है, तो नमी में इसका जो कंटेमिनेशन फैक्टर है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, बैक्टीरिया लगने के 100% चांसेज होते हैं। अच्छा, 100% चांस, तो उसकी पहचान ये होगी कि जिस स्प्राउट में, अब देखिए ये बिल्कुल वाइट सी है ना, इसके जो जड़ें निकली हुई हैं, अगर वो येलो हो गई और उसमें से स्मेल आ गई, रेंसिड हो गया, तो वो फिर आपने उसको डिस्कार्ड कर। ठीक है, ठीक है,
तो इसलिए इसकी एहतियात आपने ये करनी है कि जो भी कपड़ा लेना है जिस जगह पे भी रखना है वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन ना हो और पानी जो उनसे है उसके ऊपर जो छिड़कना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। उसके बाद इसको आप रख दें 5-6 दिन के लिए फ्रिज में, 5-6 दिन के बाद फिर आपने इसको ताज़ा बनाया। अब इसकी जो उनसे सैलेड है वो अभी चीज़ें आती हैं तो फिर आपको उसके मुझे पता था ये तैयार नहीं होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुझे पता था कंटिन्यूटी में चल रही है बात, आपको ड्रामा में एक्टिंग करनी चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम अभी यही डिस्कशन कर रहे थे मासूमा और मैं कि ये जो हम शुरू में गुफ्तगू कर रहे थे आप, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप अपना भी इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें, क्योंकि जब मैं बात कर रही थी तो आप बड़ी बड़े गौर से सुन रही थी कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की जब बात करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम अपना खाना पूरा कर लें तो बहुत बड़ी बात है, दूसरों को कहाँ से खिलाएँ। आप कुछ कहना चाह रही हैं इसके ऊपर? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जुगन। मैंने लास्ट 2020 दिसंबर में ना डेली थोड़े से लोगों को खाना खिलाना शुरू किया एंड इट वाज बहुत छोटे से पैमाने पे 50 के करीब। अब जब वो मैंने शुरू किया उसके बाद आपको पता है जिस तरह मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ और वो सब, तो मेरे पूरे फैमिली मुझे कहने लगी इट्स डिफ़िकल्ट टू डू दस्तरखान डेली, सो जज्बाती ना हो एंड जस्ट लीव इट, थर्सडे के थर्सडे कर दिया करो। हाँ ठीक है। अब पहले मैंने भी 2-3 दिन सोचा कि अब किस तरह ये सब सिलसिला चलेगा और क्या होगा। जुगन वो जो बात आपने की थी ना उसके ऊपर मेरा इतना मेरा क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मुझे था कि मैं शेयर करूं। अब मैंने 2-3 दिन बंद किया और मुझे लगा जिस तरह अल्लाह ताला ने ना मेरे भी रास्ते बंद कर दिए हैं, ये शायद वहम होगा, अल्लाह तो किसी के रास्ते बंद नहीं करते, वो तो बहुत रहीम है, लेकिन वो अपने अंदर से एक वो निकल रहा था ना, दिल चाह रहा था करने को। मैंने कहा भाड़ में गया, मैं कर रही हूँ अल्लाह जाने और उसका काम जाने। अच्छा जैसे ही वो कर रहे थे उसके बाद ना फौरन रमज़ान आ गया एंड नाउ आई वाज लाइक अब तो रोज़ रमज़ान का खाना देना इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ मैं वो कैसे करूँगी? आप यकीन मानो जुगन मैंने सिर्फ 2-3 दिन खुद दिया और उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरी फ्रेंड्स फैमिली सब हर किसी को था, बिकॉज हर कोई देना चाहता है। इसीलिए तो कहते हैं अपना दस्तरखान वसी कर दो, बिल्कुल, और देखो कि रब ताला आपकी जिंदगी में हर चीज को वसी कर, बिल्कुल, और आप कभी ये सोचो ही नहीं कि हम किसी को कैसे देंगे, आप बस दे दो, देने वाला फिर आपको बताएगा कि आपने कैसे दी। एग्जैक्टली, तो ये देने का महीना है, इसमें देना है और अनफॉर्चुनेटली हम इसको खाने का महीना बना लेते हैं। मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, हमारी भी कोशिश होती है कि रमज़ान में तो डेली और अदरवाइज मंडेज़ वेंसडेज एंड फ्राइडेज़ को हम में सिलसिला है जो भी है वो आई डोंट टू गेट इनटू दैट कह के आई मीन वो ख़त्म हो जाते हैं, बट हमने इसलिए सिर्फ शेयर किया है कि व्यूअर्स मैंने उस वक्त स्टार्ट किया था जब मैंने मॉर्निंग शो भी नहीं कर रही थी, कोविड की पीक थी और मैंने फैसल को कहा, मैंने कहा फैसल लोग भूखे मर रहे हैं यार, तो मुझे उसने कहा कि ओके बट इस वक्त तो तुम भी काम नहीं कर रही, और लिटरली जब देखें हम जब हमारी रोटी जो है ना वो हवाई रोजी है, जब आ रही होती आ रही होती, नहीं आ रही होती नहीं आ रही होती, और वो 1.5 साल और मेरी बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है फैसल से नहीं लेती। फैसल ने लाड में ना मुझे कहा अच्छा खैर एनी वे तो जॉब नहीं है और उसके अलावा भी मैं ना तुम्हें आई वॉन्ट टू स्टार्ट गिविंग यू पॉकेट मनी, उसने भी एक तरह से मेरी इज्जत रखने के लिए सिलसिला शुरू किया। अब मेरी रिटाई देख लो कि काम कर भी रही हूँ फिर भी उसे कहती हूँ पॉकेट मनी दे भाई। उससे ये छोटा सा एक सिलसिला शुरू किया 2 दिनों का हफ्ते में, पहले एक दिन कर रहे थे, फिर मैंने कहा फैसल किसी का क्या पेट भरेगा, एक दिन हमने 2 दफ़ा करना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 times a week करते हैं। और व्यूअर्स ये मेरी नियत है कि इस रमज़ान के बाद अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि रमज़ान के बाद फिर डेली का एक सिलसिला रखें। व्यूअर्स पता है छोटा बच्चा जब आता है, कोई बच्चा आता है ना खाना लेने के लिए और आप उसको उसके बॉक्स में डाल के देते हो और फिर वो जिस मुस्कुराहट के साथ घर जा रहा होता है कि यार मैं ना घर वालों के लिए खाना लेके जा रहा हूँ, व्यूअर्स कौन किस हालात में है? और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स जो मांग सकते हैं उनको देखें, हम सब इस दुनिया में एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने के लिए आए हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि जो मांगने वाले हैं ये मांगते रहते हैं, भाई जिसके पास नहीं है वो अल्लाह के बंदों से ही मांगेगा ना, मतलब ताला से तो मांगेगा, लेकिन वसीले आप लोगों नहीं बनने वाले कि किसको देना है और भाई किसको नहीं भाई आपने नहीं देना आप ना दे, लेकिन धुतकारे ना प्लीज, ये बहुत एक बुरी बात है, ये एक ट्रेंड बन गया है
ये तो ऐसे ही करते भाई, आपकी नियत ठीक है ना, अगले ने अगर अगला बद नियत है वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसके अमाल है। सो ये एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है व्यूअर्स, प्लीज एक बंदे को हर रोज खिला दें और लोगों को जज करना प्लीज छोड़ दें। जैसे ही हम जजमेंट, चाहे वो आपके घर के आपकी सड़क पे काम करने वाला गार्ड ही है जो आपको गार्ड कर रहे हैं, आप यकीन जाने किसी को एक वक्त की रोटी जब आप देते हो ना, तो आप अगर उसका हिसाब लगाओ तो उसके वो पैसे जो बचते हैं उसके बच्चों के लिए कितने। यार आपको मैं एक बात बताऊँ, मुझे कितना दुख होता है आपा कि गार्ड की गार्ड्स होते हैं उनकी कंपनीज अक्सर ये बात कहती हैं कि जी आप हमारे गार्ड्स को आपको खाना देने की जरूरत है, ये नहीं करने की जरूरत। आप ये सोचें कि घर में सारा आपका स्टाफ जो है खा भी रहा है, चाय भी पी रहा है, टी टाइम पे स्नैक भी उनको मिल रहा है, और मतलब कुछ सारा कुछ हो रहा है, और एक बंदा आ रहा है और नाइट का स्पेशली जो गार्ड है वो रात से लेके सुबह तक आपके घर को गार्ड कर रहा है, मतलब जो अफोर्ड करते हैं गार्ड्स। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आपके घर का गार्ड, इवन बाहर जो रोड पे गार्ड्स होते हैं और सारा कुछ होता है, भाई उनको आप चाय और खाना नहीं दे सकते? अगर बाकियों को भी दे रहे हैं तो कम अज़ कम, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जस्ट बिकॉज आपके ऊपर फर्ज नहीं है ये करना का ये मतलब तो नहीं है कि ना करें कुछ। आपा कुछ कहेंगी आप इस बात? जी बिल्कुल जुगन, मेरी तो यही कोशिश होती है, अब जैसे ये रमज़ान स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले जो है वो हमारे फैक्ट्री के मुलाज़मीन, फिर आगे पीछे उनकी फैमिलीज, और वो लोग खासकर जो है वो हम सर्च कर रहे होते हैं जो सफ़ेद पोश हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, तो सबसे पहले जो है वो उनके घरों में जाता है। ईद के कपड़े बनते हैं पहले उन लोगों के बनते हैं, मेरे बच्चों के बने हैं नहीं बने, मुझे टाइम मिला नहीं मिला, लेकिन मेरी कोशिश होती है रमज़ान से पहले सब ज़रूरतमंदों के यहाँ राशन और ईद के कपड़े जो है ये पहुँच जाए। तो बाकी ये है कि जाहिर सी बात है कि अगर अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है तो आप कोशिश करें उसे थोड़ा सा भड़के करें। मैं आपा इसमें कहूँगी कि हिम्मत नहीं दी तो अल्लाह से तजारत कर लें, आपके पास अपने पास अगर थोड़ा है तो आप उस थोड़े से में दे दें, देखें अल्लाह से की हुई ये तजारत आपको कैसे खूबसूरत तरीके से वापस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब हम बना क्या रहे हैं? अच्छा जी, अब एक बात कह लीजिए, एक चीज़ हमने कहा ना कि इस चीज़ का ख्याल रखें, तो मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ने रमज़ान को, जैसे हम रमज़ान की तैयारी की अगर बात कर रहे हैं ना, तो हम डिटॉक्स की बात करें आने वाले वक्त के लिए, तो रमज़ान से पहले आप अपना आपको डिटॉक्स करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो शाबान का जो महीना अब चल रहा है इसके लास्ट वीक को अगर आप डिटॉक्स का वीक बना लेना तो आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। सही। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारी ज़रा गुफ्तगू लंबी होगी, तो हम अब आते ही जो है अपनी सारी रेसिपीज़ और ट्रिक और टिप्स की तरफ आ जाएंगे ब्रेक। From the break, viewers, sorry Masooma, लेकिन अभी मैं सबसे ज़्यादा excited आपा वाले portion के बारे में हूँ, क्योंकि उसमें खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। तुम तो जो बनाती हो वो, चलो ये भी try कर लेते हैं। अच्छा अभी आप क्या बनाना सिखा रहे? अच्छा जी, मैं आपको खिचड़ी की वो form बताना सिखा रही हूँ कि जो detox करती है। खिचड़ी दो तरह से, पेट ख़राब हो तो खिचड़ी को आप जैसे सूखी सूखी सी बना के, नरम सी बना के खाते हो, इसी तरह अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप चाहते हो आप अपना लिवर क्लिंस करना चाहते हो, आप अपना स्टमक को क्लिंस करना चाहते हो, तो आपने ये खिचड़ी, जिसको हम अपने आयुर्वेद में हर पेशेंट क्रॉनिक या एक्यूट कोई भी पेशेंट आता है तो मैं उसको कहती हूँ 3 दिन का उसने खिचड़ी क्लिंस करना है, तो मैं वो खिचड़ी मूँग दाल की बता रही हूँ, और मूँग दाल वो वाहिद दाल है दालों में जो कि एल्कलाइन है। ओके okay. बाकी ये जिससे अब मसूर की दाल को भी देखिए मूंग के साथ बनाते हैं क्योंकि वो गर्म है, इसकी तासीर बहुत ठंडी है, ये आपको क्लिंज अच्छा करती है। इसमें आपको ब्राउन राइस चाहिए 1 टेबलस्पून और मूंग की दाल चाहिए आपको ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून, यानी दाल ज़्यादा है 4 गुना ज़्यादा, और दाल ज़्यादा है और चावल कम। इसके साथ आप थोड़ा सा डाल लोगे गर्म मसाला, ठीक है, नमक मिर्च अपने मुताबिक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये इतनी सी व्यूवर्स दाल है लेकिन इसके अंदर पानी 3 लीटर डलेगा, ठीक है, 3 लीटर पानी डाल के जब आप उसको बॉईल करोगे तो आपको उसको इस फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसको 4 घंटे तकरीबन लग जाते हैं, ब्राउन राइस देर से गलता है, इसलिए इसमें जब हम पानी ज़्यादा डाल के ये बनाते हैं तो ये एक सूपी फॉर्म, जिस तरह आपकी सूप बनाते हैं दाल से, उस फॉर्म में आ जाएगा। ये तो 1 लीटर कम होता होगा, बिल्कुल कम होता है, मैंने कहा ना क्लिंजिंग के लिए,
ये एक लीटर खिचड़ी आपको सारा दिन में ख़त्म करनी है। अच्छा, कई पेशेंट्स मुझे आके कहते हैं जी हमने वो एक दिन बनाई थी, तीन दिन खा ली। ऐसा नहीं है, इसकी अमाउंट स्पेसिफिक खाना ज़रूरी होता है कि अगर आपको क्लिंस करना है, इससे आपका पेट थोड़ा सा खाली होगा, साफ़ होगा, ब्लोटिंग ख़त्म होगी, ये आपके लिवर को क्लिंस करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर करेगा और वो किक स्टार्ट जो हमें चाहिए होता है ना डाइट के लिए, ये वो प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आप अगर डाइटिंग करना चाहते हो, इसके बाद आप रमज़ान शुरू करना चाहते हो, तो वो आप शुरू करो कि ये बेस्ट क्लिंजिंग प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। और ये रेडी है ये वाली? बिल्कुल रेडी है ये वाली। आप इसको चखना चाह रही थी, इसको इसमें डाल लेते हैं। नहीं पहले चख तो लो। नमक डाला है इसमें? हाँ हाँ, प्रॉमिस करो। नॉट बैड, मज़े का है। अब होता ये कि आपको ये तीन वक्त खानी है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह के टाइम पे इसके साथ अगर आप दो एग वाइट्स ले लें और एक कप चाय ले लें, कोशिश करें कि आप इन तीन दिन जब आप खिचड़ी क्लिंस कर रहे हैं और ख़ासतौर पे ये मूंग दाल के साथ करें, तो आप कैफीन का इस्तेमाल ही ना करें। वो आपकी बॉडी को इतना अच्छी तरह से डिटॉक्स करेगा, और कोई भी मर्ज हो, कोई भी बीमारी हो, अगर आप उससे तीन दिन पहले दवाई के साथ इस क्लिंजिंग को कर लें, तो वो जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, चाहे वो आप ब्लड प्रेशर के लिए है, शुगर के लिए है, कैंसर के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक्स एंड पेन्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये तीन दिन आपको उस ट्रीटमेंट को इन्हांस करने में काम आएंगे। इतना नमक भी ना खाएं, क्योंकि हम डिटॉक्स कर रहे हैं, उसमें नमक कम होना चाहिए। ये असल में मैं रखने लगी हूँ ना अपने लिए सारा दिन खाने के लिए, एक दिन का डिटॉक्स करूँगी मैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या बताएंगी आप? अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सफोलिएटर की तरफ। मसूर की दाल का पाउडर ले लेना है, दाल का पाउडर है ये, वहाँ से चम्मच आप देखिए, एक चम्मच मसूर की दाल का पाउडर, ये बेस्ट एक्सफोलिएटर बनेगा आपका। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, इसमें दूध डालिए, ये चेहरे को साफ, आपके सारे डेड स्किन को उतारने के लिए और रंग को बेहतर करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, जो आपका रंग है उसको बेहतर करने के लिए काम आएगा। और इसके साथ बीच में दूध डाल लीजिए अगर, तो ये बेस्ट एक्सफोलिएटर है। हफ्ते में एक से दो बार इसको चेहरे पे लगाएं, 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसको उपटन की तरह उतार लीजिए। देखिए, हम इतने महंगे महंगे स्क्रब्स खरीदते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है, आपको कितनी दफ़ा शायद नहीं आ पा, हम सब मिल के आपको बताते हैं कि ये वो सब चीज़ें जो आपके घर में मौजूद हैं, और इनका रिज़ल्ट आपको, जो प्रोडक्ट आपको मार्केट से मिलते हैं, उससे 100% बेहतर है। इसको बेहतर करने के लिए इसमें थोड़ा लीमू भी डाल सकते हैं। तो ये आपका एक्सफोलिएटर तैयार है, ये अपने हाथों पे, चेहरे पे लगाएं और इस्तेमाल करें, 10 मिनट के बाद इसको रगड़ के उतार दीजिए। एंड एनीथिंग एल्स? यस, इसके बाद हम आगे बालों के लिए मास्क। जिनके बाल फिजी हैं, वो अपने बालों की फिजीनेस से तंग हैं, रफ हैं, कर्ली बाल ज़्यादा उनको तंग लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, उनके लिए हेयर मास्क है कि आप दही, माश की दाल का पाउडर, ये बैक, इसको हम कहते हैं नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट भी। अगर आप ये रेगुलर तीन दिन लगा लें, तो आप देखेंगे कि आपके बाल किस कदर स्ट्रेट और अच्छे हो जाते हैं। माश की दाल के पाउडर में आपने दही डालनी है, इसका एक पेस्ट बना लें, इसके अंदर अंडा डालें, प्याली इसमें कर लें, ठीक है, एक अंडा डाल लीजिए। और इसमें कुछ डालेगा? नहीं, तो बस फिर ये तो हो गया हमारा, ठीक है। और इसको बालों में एक एक, कोशिश करें एक छोटे छोटे से सेक्शंस लीजिए और बालों को अच्छी तरह से कोट आउट करें, बिल्कुल स्ट्रेट, दो तीन दफ़ा कंघी करके स्ट्रेट बालों को छोड़ दीजिए। दो घंटे के बाद अपने बाल किसी भी अच्छे शैम्पू से धो लीजिए, और ये दिन तीन दिन अगर आप रेगुलर करें, तो बालों की जो फिज है, बालों की जो रफनेस है, वो बेहतर हो जाएगी, और ये नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट की तरह लगेगा आपका। सो दिस इज़ लाइक अ नेचुरल प्रोटीन टाइप केराटिन मास्क। ऑब्वियसली हमने इसमें दो किस्म की प्रोटीन डाली है, इसमें हमने अंडा भी डाला है और इसमें हमने ये डाल। अच्छा, ये थिक कितना होना चाहिए? देखो, थोड़ा सा इसके अंदर अगर थिक आपको लग रहा है, तो आप दही डाल लो, इतना कि जितना मास्क लगाते हैं बालों में। तो मास्क तो फिर भी थोड़ा सा थिक होगा, जितना ही अगर पतला हो जाएगा तो ये फिर टिकेगा नहीं ना बालों में। और इश्यू हो रहा है तो ग्राइंडर में डाल के भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अच्छे तरीके से। और दिस इज योर हेयर मास्क? यस, ये हेयर मास्क हो गया, एक्सफोलिएटर हो गया और डिटॉक्स खिचड़ी हो डन हो गए हम डन। चलो जी, ये तो हमारे पापा के लिए हम चूल्हा छोड़ने लगे हैं, क्योंकि हम
एक्साइटेड हैं कि आपा हमें कितनी मजेदार चीजें खाने को दिखलाने लगी हैं। तैयारियां हैं, मैं क्या बताऊं, हाँ, वो ऐसी-ऐसी चीजें हमें खिलाती हैं। इंतजार करना पड़ेगा इस चीज का कि वो मजेदार चीजों का हम इंतजार कर रहे हैं। भाई मैं भी वैसे ये डिटॉक्स वाला खिचड़ी वाला मसला जो है ना चाह रही हूं करना, मैं सोच रही हूं। 3 डेज का कर लो जुगन, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छा इफेक्ट देता है और ये एनर्जेटिक है। कई लोग समझते हैं कि 3 दिन 3 वक्त सिर्फ खिचड़ी खाए तो कमज़ोरी हो जाएगी। यकीन मानिए व्यूअर्स, ये आपको कमज़ोरी नहीं देगा, बल्कि 3 दिन के बाद आप पहले से ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। ऑसम, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फैसल भाई से टिप्स जान लेंगे ताकि आप ज़रा हमारे लिए खाने की तैयारियाँ कर लें। ब्रेक के बाद आएंगे। इतनी भूखी हूँ मैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्लेंडर भाई हमारे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहे हैं। और चल भी रहे हैं। फैसल भाई मेरी बात सुने, आप इतना ड्राई मादा डाल देते हैं अंदर कि वो बेचारा ग्राइंड हो नहीं पाता और फिर आप मेरे बेचारे ब्लेंडर को बुरा भला कहते हैं। ये हमारा दोस्त है, ये हमारा पुराना साथी है, बड़ा पुराना, वो इतना पुराना साथी है कि अभी रिटायर हो सकता है लेकिन हम इसको नहीं, इसके किसी से जान नहीं छोड़ते। ये क्या है? अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये किडनी बीन्स है, ठीक है, लाल वाली लोबिया जिसको हम कहते हैं, लाल लोबिया, इसको ओवरनाइट दूध में जाफरान डाल के भिगो दिया था। करोड़ रुपए का जाफरान, अच्छा, चुटकी भर जाफरान डाल के इसको भिगो दिया था और इसको फिर हमने इसमें, उसके बाद हम इसमें डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे, दूध भी और वो भी, दूध सारा इसमें डाल के इसका पेस्ट हम बनाएंगे। डाल दीजिए, वेस्ट ना करें ना। अच्छा अब इस, ये हमने इसको ग्राइंड करना है, इसको ग्राइंड करना है, पेस्ट बनाना है। ब्लेंडर नाराज हो गया, हमने इसको बुरा भला कहा है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इससे ज़्यादा, हाँ, ग्राइंड करना है हमने इसको, हमने इसका बिल्कुल पेस्ट बनाना है, ठीक है? है तो इसका बिल्कुल पेस्ट बनाने के बाद इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, ये बेहतरीन चीज़ बन जाएगी आपकी, थोड़े से स्किन टोन को कम करने के लिए भी, प्लस ये कि ओवरऑल आपकी जो स्किन का टेक्सचर है उसको बेहतर करने के लिए, ठीक ये है। हमने इसमें लोबिया, ज़ाफ़रान और दूध में भिगो दिया, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन इतना डालना है हमने कि जितना हम इसका पेस्ट ठीक कर सकें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, जैसे इतना इलायची पाउडर डाल दिया। इसमें हम डालेंगे लैक्टिक एसिड, ठीक है, तकरीबन 5-6 ड्रॉप्स। ये बाय द वे नूर में भी अवेलेबल हैं, चिल्तन में भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल किसी का भी, आप अच्छी कोई कंपनी का, इनकी बिल्कुल अच्छी है। और ये कोजिक सीरम, कोजिक सीरम, ये कितना डालना है? ये भी 5-6 ड्रॉप्स। ये है क्या कोजिक सीरम? कोजिक सीरम जैसे एक तरह का एसिडिक होता है और ये आपके स्किन को पीलिंग, एलोवेरा डालना है? एलोवेरा इसमें नहीं डालना है। अच्छा ठीक है। अब ये देखिए बेसन के बाद इसमें ये हमारा एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। मैं इसको वापस डालती हूँ जरा ब्लेंडर के अंदर और इसको इसमें ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ मज़ीद। अच्छा फिर क्या इसका होना, ये हमने लगाना कैसे? इसको हमने फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे, जो जो भी आपका एक्सपोज्ड एरिया है आप उस पर लगा के इसको छोड़ दें। और आपको किसी वाइटनिंग क्रीम के जो शौकीन लोग हैं ना, ये उनके लिए एक तोहफे वाली चीज़ है। आए हाय, एक तो वाइटनिंग से आपको पता नफरत है मुझे, नफरत है, लेकिन क्या करें कि लोग इसके बगैर गुजारा नहीं करते, नहीं लोग नहीं करते, बजाय इसके कि बुरी और केमिकल बेस्ड चीज़ें लगाएं तो उससे बहुत बेहतर है कि नेचुरल में चले जाएँ और उसको यूटिलाइज करें। बिल्कुल, तो ये हमने बेसिकली इसको ग्राइंड करने में टाइम लगेगा क्योंकि जो बीन्स हैं उनको ग्राइंड करने में थोड़ा लगता है, और ये वाली बीन्स तो बहुत ही सख्त होती है, इसीलिए इसको सोक करते हैं ताकि थोड़ी सी नरम पड़े। बट यू ग्राइंड हो जाती है इसीलिए मैं देखना वो रच बस रही है एक दूसरे में, इसकी हमने एक अच्छी सी पेस्ट बनानी है क्योंकि ऑब्वियसली बीन्स आर हार्ड। ये देखे ना उससे काफ़ी बेहतर हो गया और इस पेस्ट को हम यूटिलाइज करेंगे, ये आपकी स्किन टोन भी बेहतर करेगी, ओपन पोर्स खत्म करेगी,
आपकी स्किन को बहुत अच्छा बहुत विजिबल ग्लो देगी, क्योंकि इसमें कोजिक एसिड सीरम भी है और लैक्टिक एसिड भी है, प्लस ये है कि ज़ाफ़रान भी है, तो सारी ऐसी चीज़ें जो स्किन की लाइटनिंग के लिए फ़ायदेमंद है। मैंने इसको फंसा दिया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं भैया। ठीक है, अगली चीज़ उनसी है, आपको मैंने कहा था कि ये सैलड बताऊँगा, पाउडर। जब भी दालों का किसी भी पल्सेस का हमने पाउडर यूज करना है ना, हमेशा याद रखिए कि उसको रोज वाटर में या दूध में भिगो के रखना है, वरना ये बहुत हार्ड होते हैं। और दूध में भी बाय द वे लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड। अब ये हम डाल रहे हैं सेब, कि जो भी सीजनल फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। खीरा डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें अनार डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना डालेंगे। पुदीना तो हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और ये आपका एक प्रॉपर फुल मील बन जाता है। और इसमें आप डाल दें स्प्राउट्स, जितनी आपको पसंद है ये सारी डाल दें। सारी डाल देते हैं तो बहुत ही मज़े की होती है और एक बड़ा डिफरेंस और मज़े का क्रंच ऐड कर देती है आपके खाने में। अच्छा, और इसमें ड्रेसिंग क्या डालें? इसमें ड्रेसिंग जो उनसी आप वो लेमन सिरका हल्का सा नमक मिक्स करके ऑलिव ऑयल के साथ वो इस पर डाल सकते हैं आप, जो भी ड्रेसिंग अपनी पसंद के हिसाब से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और बाय द वे ये बड़ा फिलिंग सैलेड है, बड़े आराम से आप जो है इसको, ये आपका एक प्रॉपर दोपहर का खाना हो जाता है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। और इसके साथ आप थोड़ी सी दही लेना चाहें तो वो करें। अच्छा, आखिरी एक फेस पैक और बता रहा हूँ जो आपकी ब्लेमिशेस के लिए बहुत अच्छा है, और प्लस ये है कि आपके जो उनसे ब्लैक हेड्स वगैरह निकल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने मसूर की दाल और चीनी को मिक्स करके पीस लिया। ठीक है, ठीक है। उसमें हमने इसमें थोड़ा सा हरके गुलाब डाला है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नारियल पाउडर। ठीक है, ये स्क्रब का काम करेगा। और ये जो उनसे है आप इसके दो तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये थिक भी हो जाएगा, फेस पैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों की एड़ियाँ ये कोहनियाँ ये नकल्स उनसे वो डार्क हुए हुए होते हैं, तो वो अगर उस पर लगा के इसको स्क्रब करें, मलें और उसके 15 मिनट के बाद पाँव धो लें, तो उनके ये सारा जो उनसा कालापन आया हुआ होता है, ये देखें ना, ये अब आपका परफेक्ट थिकनेस पे आ गया कि अगर आपने इसको लगाना है और ये टिक जाए स्क्रब के तौर पे, ये आपके लिए बिल्कुल आइडियल हो। और इसको जब भी आपने उतारना है फेस पे से बहुत हल्के हाथों से, लेकिन पाँव पे से कोहनियों पे से उतारना है तो आप इसको थोड़ा सा रगड़ के उतार सकते हैं। एक बात याद रखें व्यूअर्स, फेस एंड नेक पे जब भी आपने कोई चीज़ करना है, जब हम बटियाँ बना के भी उतारने की बात करते हैं तो रगड़ना नहीं है, यू विल डैमेज योर स्किन। एग्जैक्टली। और एक दफ़ा बहुत बुरा डैमेज हो गई ना स्किन, उसको वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद नैयर आपा हमें खाने की चीज़ें बनाना सिखाएंगी, मज़े मज़े की चीज़ें बनानी सिखाएंगी। एक व्यूअर्स, अभी हम यही बात कर रहे थे कि इंसान जो है ना रोज़ों में कभी कभी चिढ़ जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, और उसका कभी कभी रीज़न ये भी होता है कि इंसान को गर्मी बहुत लग रही होती है, और गर्मी जब ज़्यादा लगती है तो प्यास भी लगती है। गर्मी का बेहतरीन हल हमारे पास है रॉयल फ़ैन। रॉयल फ़ैन लाइफ टाइम गारंटी, एक ऐसी कंपनी जो रफ़ीक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड की है। हमेशा से इनके जो फ़ैन्स हैं, पेडिस्टल फ़ैन्स हो गए, सीलिंग फ़ैन्स हो गए, इनके रूम कूलर्स हो गए, इनके ब्रैकेट फ़ैन्स हो गए, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड लिटरली इनकी लाइफ टाइम गारंटी होती है। और जो इनके नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो तो बहुत ही सुपर्ब हैं और बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस हैं। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगी रॉयल वॉशिंग मशीन की, जिसका जिसके साथ अगर हम कहें कि अब ये वाला स्लोगन ज़रूर लग सकता है कि साथ ज़िंदगी भर का, तो ये बात गलत नहीं होगी। लोग अक्सर वॉशिंग मशीन्स ख़रीदा करते हैं और फिर इस बात का गिला करते हैं कि दो महीने बाद, छः महीने बाद ही ख़राब हो गई। रॉयल वॉशिंग मशीन आपको गारंटी देता है 6+1 ईयर्स की। यू हैव अ वारंटी फॉर 6+1 ईयर्स। आई डोंट नो एनी अदर वॉशिंग मशीन जो इस लेवल की आपको
वारंटी देता है। इसका लार्ज पल्सेटर है जो इतना पावरफुल है कि कोई दाग नहीं छोड़ता और कपड़ों को भी मुकम्मल तरीके से साफ़ कर देता है। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-way fall टेक्नोलॉजी जो है, वाटरफॉल टेक्नोलॉजी, ये डिटर्जेंट का ख़र्चा भी बचाता है और मिनटों में आपके कपड़े साफ़ कर देता है। आपके कपड़े चाहे रंगदार हों, चाहे वाइट्स हों, चाहे डार्क्स हों, बहुत ही खूबसूरत से अंदाज़ में रॉयल वॉशिंग मशीन जो है इनको क्लीन कर देता है। और इनकी सिंक लिड जो है उसका लॉक सिस्टम भी है, आसान तरीका इस्तेमाल करने का, कोई कॉम्प्लिकेटेड वॉशिंग मशीन नहीं है। एंड उसके साथ साथ मशीन ठीक करवाने का प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज घर आके आपको फ्री होम सर्विस के थ्रू आपके जो है मशीन को ठीक कर दिया जाता है। और उसके साथ एक तो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रेज करना चाहूँगी, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि इसकी प्लास्टिक बॉडी है, ये शॉक प्रूफ है, और जो अक्सर मशीन्स में जंग लग जाता है बिकॉज इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है, इससे ये रस्ट फ्री है, इसमें कपड़ों को जंग भी नहीं लगेगा। सो डेफिनेटली www.royalfans.com पे जाएं और रॉयल वॉशिंग मशीन ऑर्डर करें। और जब आप रॉयल वॉशिंग मशीन ऑर्डर करेंगे तो उसके साथ आपको न्यू रॉयल वॉशिंग मशीन लेंगे तो गेट अ फ्री गिफ्ट ऑफ रॉयल वॉशिंग डिस्क। आइए अब चलते हैं नैयर आपा के पास और जानते हैं कि क्या बना रही है आपा, कहाँ कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आप हमें सिखाएंगी कुछ मज़े मज़े का बनाना। जी हाँ जी, मूंग की दाल के साथ डॉक्टर मासूमा ने डिटॉक्स जो है वो एक सूप या डिनर वो डाइट बताई है। तो मूंग की दाल के साथ ही जुगन मैं बताऊंगी मूंगचियाँ। अच्छा, ये मूंगचियाँ इतनी ज़बरदस्त हैं जुगन, अब तो जो है ना वो फ्री होम वो डिलीवरी है, खाना कुछ भी नहीं है, जल्दी से आप कॉल करें तो आपको जो है वो डिलीवरी आ जाती है, खाना फ़ौरन से आ जाता है। तो पहले जब ये वाला सिस्टम नहीं था तो माएँ कुछ ना कुछ घर में इस तरह का बना के रखती होती थी कि कुछ नहीं समझ लग रहा तो फ़ौरन से पहले मसाला भूनो, और उसको वड़ियाँ कहते होते थे, वड़ियाँ लाजमी जो है वो पड़ी हुई होती थी। तो अब तो वो मेरे ख्याल मार्केट में भी बाज़ारों में भी अवेलेबल नहीं है। तो ये मूंगचियाँ हैं, मूंग की दाल के साथ ही जो है इसको आप बना के रख सकते हैं, और ये यानी कि आप इसको फ्रिज में रख दें, ये 10-15 दिन जो है वो ख़राब नहीं होती। इसको आपने करना ये है कि मूंग की दाल जो है वो 3-4 घंटे के लिए भिगो दें, अच्छे से जो है वो धो के इसी के अंदर आपने हरी मिर्च थोड़ी सी जो है वो इसमें लहसुन अदरक प्याज ये सारी चीज़ें डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लें, ठीक है। फिर आधा एक घंटा पड़ा रहने दें ताकि इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा खमीर आ जाए। तो नमक मिर्च आप हसबे जायका जो है और गरम तेल को थोड़ा सा जो है वो और आपको कल हाँ जी गरम तेल के अंदर वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको याद होगा जब पिछली बार हम अपने इस न्यूट्रीफैक्टर के सेटअप में बैठे हुए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर आयशा नासिर से। हमने बात की कि सप्लीमेंट्स की क्या वैल्यू होती है, और ऑफ़ कोर्स हमने जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया वो ये था कि कोशिश करें कि अपनी जो सारी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वग़ैरह की ज़रूरियात हैं वो आप नेचुरल सोर्सेज से पूरा करें। लेकिन जिस किस्म की मसरूफ़ और हेक्टिक ज़िंदगियाँ हम गुजारते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है कि खाने पीने से ही अपनी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करें। खैर एक चीज़ तो कर सकते हैं कि ऑल डे ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, अपनी स्किन और अपनी बॉडी और अपने हेयर नेल्स और अपने हेड टू टो हेल्थ के लिए। आज मैं जानना चाहूँगी कि आखिर कोलेजन है क्या और इसके फ़वाद क्या हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर आयशा नासिर को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं आयशा? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, लास्ट टाइम हमने अपने व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था कि हम कोलेजन पे बात करेंगे, सबसे पहले तो ये पता कोलेजन है क्या? बेसिकली ये वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है। विद टाइम हमारा कोलेजन खत्म हो जाता है स्किन से, यानी ये प्रोटीन हमारी बॉडी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस स्किन ने बेसिकली इलास्टिसिटी टाइटनेस जो हमारी जो होती है ना बेबी स्किन या वो जो टीनेजर्स वाली स्किन होती है वो जो टाइट हुई हुई होती है उस पर रिंकल्स नहीं होते, ये कोलेजन की वजह से, वो प्रोटीन जो कि टाइटनेस और इलास्टिसिटी मेंटेन कर रहा है।
बेसिकली जिसको हम बताते हैं पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, राइट? बिल्कुल ऐसे। तो मेरी अब इसमें एक कंसर्न बनता है कि फिर इस्तेमाल इसको मतलब इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसका रीजन क्या है? चलिए ये तो है, अगर आपकी बॉडी में बनता है तो फिर हम मजीद क्यों यूज करें? अच्छा, विद टाइम बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी से कॉलेजन खत्म हो जाता है। जैसे आज मैंने आना था, धूप बहुत ज्यादा थी, तो धूप की वजह से बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या आ जाता है जी? स्ट्रेस आ जाता है, हमारी एजिंग। एजिंग तो नेचुरल, आप एजिंग तो नहीं रोक सकते। हाँ, हम सब चाहते हैं कि जैसे जुगन थी, जुगन जब आई थी वो तब भी वैसी थी और जुगन आज भी वैसी है, तो हमारा भी दिल करता है हम ऐसे लगें। तो उसके लिए हम सब को चाहिए कि वो इस्तेमाल करें जो मैं भी। अच्छा, मुझे हर कोई कहता है हर वक्त न्यूट्रोफैक्टर क्यों लगी होती हो? मेरे यूट्यूब के चैनल पे अगर जाके आप लोग देखें तो मैं बहुत कम ब्रांडेड काम करती हूँ, क्योंकि हर ब्रांड के साथ का पॉइंट ऑफ व्यू में मैं नहीं यकीन करती। देखिए, टीवी पर इंसान बहुत सी बातें कह देता है, लेकिन अपने जो आपके फोरम्स होते हैं उस पर बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं जिनको आप सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आप पर्सनली उनमें यकीन करते हैं। न्यूट्रोफैक्टर के प्रोडक्ट्स ना सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई थिंक ये न्यूट्रोफैक्टर का है ना? हाँ, बिल्कुल, ये मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, जेनसेल, कॉलेजन पेप्टाइड्स, बायोटिन एंड विटामिन सी। कल आपने दिखाया ना अपना सप्लीमेंट, तो मैंने कहा मैं भी दिखाऊंगी, मैं भी यही, क्योंकि मैं अभी कॉलेजन नहीं यूज़ कर रही। अच्छा? क्योंकि मैं बायोटिन यूज़ करती हूँ न्यूट्रोफैक्टर की और विटामिन सी, बट इनकी जो कॉलेजन, ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों की, आप को तीन गोलियों की जगह आप एक ही ले सकते हैं। Exactly. So, अगर आपने तीनों लेनी है। अच्छा, किस एज और किस स्टेज पे इसको यूज करना चाहिए? अच्छा, आफ्टर टीन एज हम सबका कॉलेजन जो है वो बॉडी से खत्म होना शुरू हो जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो 25 के बाद आपको कॉलेजन सप्लीमेंट शुरू कर देना चाहिए, इसीलिए स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें आप जितना मर्जी के हम सन ब्लॉक लगाते हैं, भाई आप सन एक्सपोजर से बच के सन ब्लॉक लगा के, लेकिन आप स्ट्रेस से तो नहीं बच सकते, आप जो लाइट्स हैं आप इनसे तो नहीं बच सकते, बहुत सारे अंदर के फैक्टर्स से तो नहीं आप बच सकते। कॉलेजन नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलता? नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जैसे हड्डियों से। अब वो हम लोग जैसे हड्डी, कुछ लोग चबा भी लेते हैं, लेकिन हम लोग वैसे हड्डी नहीं चबा सकते। मैं मुर्गी बेचारी की हड्डियां खा लेती हूँ और पाए बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन व्यूअर्स डेली पाए खाएंगे हड्डियां तो आपकी बड़ी मतलब हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी, कॉलेजन भी आपके सिस्टम में जाएगा, लेकिन साइज क्या बन जाएगा फिर? बिल्कुल, बड़ी चीजें जो आपके लिए उस तरह से अच्छी है वो फिर आपको उसके अंदर फिर मोटापा और दूसरी चीजों का आंसर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मुझे ये बताएं कि स्किन हेल्थ को अगर हम ये लेंगे तो हम इम्प्रूवमेंट किस लेवल की देखेंगे? अच्छा, ये नहीं होगा कि आपने 2 महीने कॉलेजन खाया तो अब आपने एक्सपेक्ट ये करना है कि आप बिल्कुल बेबी स्किन पे वापस आ जाएंगे। ये आपकी स्किन को मेंटेन कर देगा। अब मेंटेन करने से क्या मुराद है? जिस तरह आज है, अगर मैं कॉलेजन इस्तेमाल करती रहूँगी तो 10 साल बाद भी ऐसी होगी। ये नहीं होगा कि अभी मेरी एज है 29, आज मैं इस्तेमाल करना शुरू करूँ तो मैं 22 की लगने लग जाऊँगी। बट 39 पे भी 29। हाँ, बट 39 पे भी आप 29 लग सकते हैं। बेसिकली अगर आपने अपनी एजिंग प्रोसेस को चेहरे पे कम से कम और अपनी स्किन से थमाना है, सबसे ज़्यादा किसके थ्रू आपको लगता है कि आप पे एज आ रही है? जब स्किन के थ्रू, क्योंकि सबसे पहले आपका चेहरा देखते हैं, अगर मुंह पे लाइंस होती है तो लोग कहते हैं ओ इसकी तो एज ज़्यादा होगी। मुझे आज भी याद है, एक 22-23 ईयर ओल्ड बच्ची से मेरी मुलाकात हुई, मैं उससे बात कर रही थी। अच्छा, मुझे पता था कि उसकी एज क्या है, लेकिन वो अपनी एज से एटलीस्ट कोई 10 साल बड़ी लगती थी, क्योंकि ना उसके यहाँ पे लाइंस पड़ी हुई थी और उसके आईज़ के साथ लाइंस पड़ी हुई थी और ये वाली लाइंस उसको पड़ी। अब मैं उससे गुफ्तगू कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो किसी ने आके कहा अच्छा ये आपकी बड़ी बहन है। मेरा दिल इतना ख़राब हुआ कि मतलब वो बच्ची है, अर्ली ट्वेंटीज़ में, 21-22 की है उसको, क्यों मतलब? बट वही वाली चीज़ है ना कि देखिए व्यूअर्स, जो चीज़ नज़र आती है उसके ऊपर लोग कॉमेंट करते हैं, इस किस्म के कॉमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन हम भी अगर इन चीज़ों से बॉदर होते हैं तो फिर हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है खूबसूरत नजर आना हर एक का हक है और जरूरत है। अब वो दौर नहीं है कि मुंह पे बेसन लगा के तो बात खत्म हो गई। हाँ, सप्लीमेंट्स हम बेसन भी लगाते हैं और हमें बड़ा पसंद है बेसन। सिर्फ बात खत्म नहीं हो जाती, बट सप्लीमेंट, बट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखिए, आप मुंह के ऊपर जो कुछ लगाएंगे उसके असरात होंगे टेम्परेरी। जो चीज़ आप खाएंगे वो आपको अंदर से मजबूत करेगी। लोग एक्नी के बारे में 50,000 टोटके बताते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। मैंने अपनी भी एक्नी जेल और सारा कुछ निकाला हुआ अपनी प्रोडक्ट में। आपकी प्रोडक्ट से मेरी ठीक हुई थी, मेरी ठीक नहीं थी हो रही, मैंने हर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लिया। बट दिस इज द थिंग ना, उसके साथ हमेशा एक ही बात मैं कहती हूँ जी, गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें और देखें
कि आप में विटामिन सी की कमी तो नहीं है, कॉलेजन की कमी तो नहीं है, मतलब ये चीजें तो नहीं है। अच्छा, विटामिन सी के साथ कॉलेजन क्यों इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, विटामिन सी का हम सब जानते हैं कि वो हमारी स्किन को एक ग्लो दे देता है। हमारी स्किन के लिए सबसे अच्छी जो चीज है ना वो विटामिन सी है। विटामिन सी कॉलेजन की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है। तो इसको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करने से डबल फायदे होते हैं। एक तो विटामिन सी मिलता है जो कि कॉलेजन की एब्जॉर्प्शन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो मजीद आपकी स्किन को एक ग्लो देगा, एक चमक देगा, स्किन की न्यू सेल्स की रीजनरेशन में वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो वो कॉम्बिनेशन में बड़ा अच्छा चलता है। और वो जो कहते हैं ना, इसीलिए तो वो मतलब जिस तरह कहते हैं ना जेन सेल, तो वो एक तरह से सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर बायोटिन भी है। बायोटिन पे हमने वैसे कल भी बात की, लेकिन मैं जिन लोगों ने कल का शो नहीं देखा मैं उनको बताती चलूँ, बायोटिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हेयर नेल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसका उसकी मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी स्किन को, हेयर और नेल्स को का जो मेन चीज़ है वो कैरेटिन है। कैरेटिन हम लोग करा लेते हैं बालों से, और कैरेटिन कैसे बेहतर होता है? बायोटिन से। बायोटिन खाते जाएं तो आपका जो कैरेटिन है वो बेहतर रहेगा। ओके, आई गेट द कॉम्बिनेशन। सो इन तीनों की कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी स्किन, हेयर, नेल्स तीनों को स्ट्रेंथन करता है, और उसके साथ आपकी जॉइंट्स को भी हेल्प करता है। नहीं, कॉलेजन हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। ये जो मैंने अभी कहा ना, आपको बोन्स खानी चाहिए, जैसे वो हड्डी जो चबाने वाली हड्डी होती है वेट बढ़ाती है सारा कुछ, बट आपको हड्डी का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए, वो हड्डियों की मजबूती के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन क्या यखनी जो है वही आपको बेनिफिट देती है या नहीं? यखनी भी कुछ हद तक देती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो चबाने वाली या कॉलेजन टाइप जो हड्डी होती है वो चबा के खाएं, बट यखनी भी हेल्प करती है। अब ये बहुत से लोग होते हैं जो सालन में से हड्डी वाला गोश्त को हाथ ही नहीं लगाते। अब जो चीज़ बनती ही उसके अंदर से और आप उसको नहीं यूज़ कर पाते, तो उसके लिए हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि जब न्यूट्रीफैक्टर का एक इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है मार्केट में तो यूज़ इट। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी ब्रेक के बाद कि किस किस किस्म के कॉलेजन होते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा था, एंड ये जो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ हैं। डॉक, कॉलेजिन पे बात कर रहे हैं, और ये जो एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट आपने अपने बैग से निकाला है ये मैं आपकी वाली लेके जा रही हूँ, आप अपने लिए नहीं खरीद लेना। जेन सेल कॉलेजिन पेप्टाइड्स प्लस बायोटिन प्लस वाइटामिन सी, ये आपके स्किन, हेयर, नेल्स एंड जॉइंट सपोर्ट के लिए एब्सोल्युटली अमेजिंग है। न्यूट्रीफैक्टर का ये फैबुलस सा प्रोडक्ट है, और आई एम सो हैप्पी कि जो मैं अलहदा अलहदा से चीज़ें ले रही थी अब आपको एक तरह से ऑल इन वन मिल जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कॉलेजन्स की टाइप क्या होती हैं? फाइव टाइप्स होती हैं कॉलेजन की, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फाइव एंड टाइप एक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो टाइप वन एंड टाइप टू होती हैं, जो बेसिकली हमारी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक कनेक्टिव टिशू का काम करती हैं, हमारी स्किन को एक इलास्टिसिटी देने में और उसको टाइटनेस उसकी मेंटेन करने में। बाकी जो टाइप थ्री होती है वो हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होती है। टाइप फाइव जो है वो टाइप वन के बिल्कुल साथ, मतलब सेम उसका यही फंक्शन है कि वो टाइटनेस एंड इलास्टिसिटी देती है हमें। एंड टाइप एक्स जो है वो माइनर मिकदार में बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जिसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये कनेक्टिव टाइप है, हमारी नेटवर्क टाइप है, नेटवर्क बनाती है हमारी स्किन का। अच्छा, ये जो है इसके अंदर है आई थिंक हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म, तो वो क्या मतलब? अच्छा, जैसे मैंने कल भी बात की थी जुगन आपसे कि बॉडी की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है। आप एक सप्लीमेंट लेती हैं, मैं एक सप्लीमेंट लेती हूँ, उसकी एब्जॉर्प्शन डिफरेंट हो सकती है। तो कंपनीज को चाहिए कि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को आसान से आसान तक कर दें, ताकि जो जिन लोगों की बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होती उनकी बॉडी उसको सही से एब्जॉर्ब कर सके। हाइड्रोलाइज बेसिकली उसको स्मॉल किया जाता है अमाइनो एसिड्स को, ताकि वो बॉडी के अंदर फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो सकें, और जो उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती थी वो रोकी जा सके। अब देखें ना व्यूअर्स, विटामिन सी अगर आप आयरन के साथ लेते हैं तो वो अब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन जब आप विटामिन सी कॉलेजिन के साथ लेते हैं और उसमें बायोटिन भी ऐड कर देते हैं, तो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाती है स्किन, हेयर, नेल्स, जॉइंट्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सारे वो मसाइल हैं जो ख़वातीन एक सर्टन एज के बाद फेस करती हैं। व्यूअर्स, मुझे अक्सर लोग कहते हैं, जिस तरह आपने कहा कि तुम एज नहीं कर रही,
सिंपल सी बात है, मैंने अपना ख्याल 21-22 साल पे ही रखना शुरू कर दिया था। मैं मुझे लोग कहते हैं ना कि वो तुम बड़ी स्किन ट्रीटमेंट्स करती होगी ये वो, अल्लाह मेरा गवाह है कि 6-7 साल पहले तक तो मैं साबुन से पानी, साबुन और पानी से मुंह धोती थी, मैं तो क्लेंजर श्लेंजर भी नहीं यूज़ करती थी। और ऑब्वियसली एक सर्टन पॉइंट पे आके मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सा इंसान बन जाना चाहिए, और ऑब्वियसली मेरे जो हबल की दुनिया के इतने प्यारे प्यारे से दोस्त हैं, जैसे नैयर आपा हैं, डॉक्टर फैसल हैं, मासूमा ज़हरा हैं, इन लोगों ने मुझे गाइड किया कि यार खुदा का वास्ते केमिकल नहीं लगा ला तो ये कर लो। बट अल्टीमेटली एजिंग प्रोसेस को रोके कैसे बंदा, मल्टीविटामिंस का इस्तेमाल करें, हर इंसान को मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, बच्चों के लिए भी। इस वजह से अब इतनी ज़्यादा गमीज़ और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं क्योंकि बच्चों की भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी होती, वो नगेट्स और चिप्स से बाहर निकले तो कुछ उनको सेहत मिले ना। अब हमारा सॉइल भी वो नहीं रहा, एक सॉइल पे आप एक दफ़ा खाना पकाते हैं, खाना उगाते हैं सॉरी, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और तरह के होते हैं, जब आप अगली दफ़ा उगाते हैं चीज़ें कम हो जाती हैं। जिंक में स्पेशली ये देखा गया कि अब हमारे सॉइल में वो जिंक ही नहीं है जो कि हमें भरपूर ज़िंदगी दे सके। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स कम होते रहते हैं, एक सॉइल से जितनी दफ़ा खाना उगता रहेगा उतनी दफ़ा गंदम उगती रहेगी, जितनी दफ़ा वो खाना बनता रहेगा वहाँ से उगता रहेगा तो उतनी दफ़ा उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होते रहेंगे। तो हमें मल्टी विटामिंस की ज़रूरत इसलिए भी है कि अब वो खाना भी नहीं है हमारे पास। अच्छा एक बात क्लियर कर दें, बड़े लोग कहते हैं मल्टी विटामिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, ज़रा ये बात क्लियर कर देंगी? बिकॉज मैंने 2-3 दफ़ा जब लोगों को कहा कि ज़रूर इस्तेमाल करें तो आगे से मुझे ये जवाब मिला फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, ऐसे गोलियां लेते रहते हैं, ज़रा कुछ ही एक्सप्लेन करेंगी फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? सबसे पहली चीज़ ओवरनाइट चेंज नहीं आना, ये सबसे बुरा हमारा एटीट्यूड है कि हम कहते हैं 2 दवाइयां खाओ और हमें पता नहीं क्या हो जाना, हमने मैराथन जीत लेनी है, और मतलब सालों के डैमेज को चाहते हैं कि एक गोली खाएंगे एक दिन तो सेट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और मल्टी विटामिंस ने ये नहीं करना कि आपको रातों रात ठीक कर देना, एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको मल्टी विटामिंस का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा आपका मल्टी विटामिंस का इस्तेमाल ही सही नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो मल्टी विटामिंस का इस्तेमाल चाय के साथ कर रहे हैं, भाई नाश्ते के साथ मल्टी विटामिन ली, ऊपर से चाय ले ली, उसने आपको क्या फायदा देना है? समझा थक गए कि ग्रीन टी के साथ, किसी बेवरेज के साथ नहीं, पानी या जो वाटर सॉल्युबल मल्टी विटामिन है वो दूध के साथ आपने लेना है, जैसे विटामिन डी वगैरह हो गया, तो उसका इस्तेमाल आप गलत तरीके से कर रहे हैं, फिर अगली चीज़ आती है आप मल्टी विटामिन सही ले ही नहीं रहे इतने हर बंदा। हाँ, अच्छा क्या खाली पेट ले, खाने के साथ ले, लेनी कैसे हम कोई भी जब मल्टीविटामिन ले? हर मल्टीविटामिन डिफरेंट होती है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये आप नाश्ते में अगर चाय नहीं ले रहे तो उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नाश्ते में आप चाय ले रहे हैं तो आप स्नैक के साथ इस्तेमाल कर लें, पानी के साथ, सिंपल पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेमन वाटर के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप जिंक की बात करते हैं तो वो जहाँ दूध आ रहा है, नाश्ते में आप दूध पी रहे हैं या सीरियल खा रहे हैं, हम जिंक इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैल्शियम सेम थिंग विद आयरन, आयरन एंड दूध की तो आपस में मैंने बड़े लोग देखे अपने बच्चों को आयरन के सप्लीमेंट दे रहे होते हैं दूध में मिक्स करके, मैं कहती हूँ यारा हाँ, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो इस्तेमाल का तरीका आपका क्या है वो आपने समझना है, और फिर किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है। लुक द रीज़न आई रिकमेंड न्यूट्रीफैक्टर, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी न्यूट्रीफैक्टर को जो ओन करते हैं उनके जो सीईओ साहब हैं अमजद साहब, उनसे मेरी बड़ी लंबी एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई कहीं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं पाकिस्तान में मल्टीविटामिन बनाने का क्या तुक है जब पूरी दुनिया के इतने अच्छे अच्छे मल्टीविटामिन बन रहे हैं? तो उन्होंने ही मुझे एक्सप्लेन किया कि जुगन मैं खुद मल्टीविटामिन यूज़ करता था और मुझे एक दफ़ा एहसास हुआ कि जो मल्टीविटामिन मैं ख़रीद रहा हूँ इतनी महंगी कंपनी की पाकिस्तान में, वो एक्चुअली एक्सपायर्ड है, उसके तो वो मुझे बेनिफिट्स ही नहीं मिल रहे। दूसरी बात, हर बंदा जो है वो 4,000, 8,000, 12,000 की भी आपको मल्टीविटामिन मिलती है, कौन अफोर्ड करे? हम पाकिस्तान में रहते हैं, अमेरिका वाले भी लोग जो हैं वो इसलिए अक्सर लोग ख़रीदते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे इतनी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको जब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं तो वाई नॉट। बिल्कुल ऐसे ही, और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो चीज़ हमारे लिए यहाँ बनाई जाती है वो बेस्ट होती है क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट अब होता है और आपको फ्रेश मिल रही है। देखिए सप्लीमेंट जितना आप फ्रेश लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट होगा। बिल्कुल, और जो चीज़ आपकी यहाँ पे बन रही है, एंड मैंने जाके इनकी फैसलाबाद में फैक्ट्री भी देखी है और मैंने पूरा सेटअप देखा है, बहुत ही अमेनो लाइक, मैं ये कोई टीवी के वर्ड वो नहीं कह रही, जेन्युइनली, एंड आई स्विच्ड माय होल हाउस, मेरे घर में जो बच्चियाँ भी काम करती हैं उनके लिए भी मैं मंगवाती हूँ, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए मल्टीविटामिंस वहीं से मंगवाती हूँ। देखो अफोर्डेबल भी है ना, तो सारे के सारे उसको यूटिलाइज भी करते हैं और उसके बेनिफिट्स बड़े ज्यादा हैं। अच्छा ये चीज़ें तो आपने लेनी है ना, चाहे कॉलेजन हो गया व्हाटएवर, लेकिन कोई ऐसी टिप्स अपनी स्किन, अपने हेयर, अपने नेल्स को खूबसूरत बनाने का नेचुरली?
अच्छा सर, उसके लिए तो सबसे पहली चीज़ है आपने वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है, हाइड्रेशन रहेगी तो आपकी स्किन जो है वो तरोताज़ा भी रहेगी। दूसरी चीज़ आती है विटामिन सी का, डाइट से इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी स्किन अच्छी रहती है। विटामिन सी जितने हमारे सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनके अंदर मौजूद है, आजकल अमरूद आया हुआ है, स्ट्रॉबेरी आई हुई है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। टमाटर और कैप्सिकम के अंदर भी विटामिन सी की एक अच्छी मकदार है। कॉलेजन की अगर बात करें तो गोश्त और हड्डियों का इस्तेमाल जो है वो आपने ज़्यादा करना। अच्छा, कॉलेजन मर्द हजरात भी ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते, उनका भी हक है, वो खूबसूरत नजर आए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं रेज करना चाहती थी, दैट ये सिर्फ ख्वातीन नहीं, मर्द भी यूज कर सकते हैं। आपकी भी हड्डियाँ और गिट्टे गोटे हैं ना, तो उनको भी आपने स्ट्रॉन्ग करना है। और जिन मर्द हजरात को गिट्टे गोटों की दर्द अक्सर होती है, बड़े यंग लोगों में हम देखते हैं, वो किसी डिफिशेंसी की वजह से होती है। तो ये जब हम स्किन, हेयर एंड नेल्स की बात करते हैं तो इसमें आपके जॉइंट सपोर्ट भी है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि जो मर्द हजरात भी अपनी एजिंग प्रोसेस से तंग हो रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें। और हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप खवातीन ना यूज़ किया करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें बाहर जाने से पहले, अवॉइड करें अननेसेसरी चीज़ें और केमिकल्स अपने स्किन और फेस पे लगाना, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको कवर करें थ्रू सप्लीमेंटेशन एंड वी रेकमेंड न्यूट्रोफैक्टर। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी।